बड़ा लागे पड़ेंगे। आज मद निषेध दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। आप सोच लीजिए, उसके बाद जब लागू हुआ 16 में, तो उसके पहले 15 के बाद से भी लगातार कितना आप लोगों ने भी अभियान चलाया और कितनी लोगों को खुशी थी। हम भी जगह जगह घूम रहे थे और सब लोग इसको स्वीकार किए, और इसको जब लागू किया गया तो हमने तो शहरी क्षेत्रों में खाली बंद कर दिया था कि विदेशी शराब को रहने दीजिए, लेकिन 5 दिन के अंदर इतना हंगामा पुरुष और स्त्री दोनों ने किया, तो हमने कहा कि नहीं, हम शहरी क्षेत्र में भी बंद कर देंगे। तो 5 ही दिन के अंदर उसको भी बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो लागू हुआ है इतना बढ़िया ढंग से पूरे राज्य में नशा मुक्ति, और उसको लेकर के जो पूरा का पूरा अभियान चला और कितनी खुशी हुई, और सब लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया था। और जब नशा मुक्ति लागू हुआ तो उसी में एक महिला ने कहा कि मेरे पति बड़ा शराब पीते थे और रोज रात में झंझट करते थे, अब लड़का सबको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, लड़की को बहुत हालत खराब रहता था, लेकिन जब अब लागू हो गया शराबबंदी तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब घर में आते हैं शाम में खुशी के साथ और बाजार से सब कुछ लेकर के आते हैं और सब खुश हैं। तो कितना खुशी हुई है कि भाई जब नशा मुक्ति लागू हो गया तो जो दारू शराब पीता था उसने शराब पीना बंद किया, तो कितना अच्छा हुआ, तो कितना अच्छा चीज हो गया। लेकिन कुछ लोग तो खिलाफ ही न रहता है जी, कभी कभी जानते हैं कि सब आदमी सही विचार का होता है, जितना लोग पैदा होता है 100% ठीक नहीं हो सकता, कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन इधर से उधर बाएं दाएं इधर उधर करते रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है। आप बोलिए, बापू जिन्होंने देश को आजाद किया उन्होंने कहा था नशा मुक्ति लागू होना चाहिए, और कितना ज्यादा बोलते रहे हम लोग, सब जगह कितना जगह एक एक स्कूल एक एक जगह करवा दिए हैं कि बापू क्या चाहते थे, हर जगह लोगों को बता दिया। तो एक एक चीज को जानिए कि सब चीज हम लोग करते हैं, और उसको लेकर के काफी अच्छी संख्या में नशा मुक्ति धीरे धीरे लागू होता रहा। और जब लागू किए तो शुरू में सब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसके पक्ष में दिया, और लागू कर दिया गया तो काफी अच्छा हुआ। और समय समय पर इसके बारे में जो हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, तो जो हम तो अभी हाल में कह रहे हैं कि एक बार फिर कर लीजिए सर्वे, तो एक बार जो हम देखे अभी जो हमके किया था, तो किया था कि 2018 में सर्वे किया, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। और फिर 23 में ही फरवरी में आया कि 1,42,00,000 लोग ऐसे हैं जो शराब पीना छोड़ चुके हैं, और उसमें बताया गया हमको कि 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं और 92% पुरुष भी शहरी पुरुष शराबबंदी के पक्ष में है, ग्रामीण क्षेत्रों में 63%, शहरी क्षेत्रों में 62% लोग शराबबंदी के समर्थन में। तो ये सब जो रिपोर्ट आया था, तो अभी हम हाल ही में अब जब रोज हम देखते हैं, और हमने इन लोगों को कहा था कि अकारण किसी को मत पकड़िए, लेकिन कोई बाहर से शराब लेकर के आता है और यहाँ सही मायने में शराब का धंधा करता है और ये करता रहता है, तो उसी को ठीक से देखिए, और जो ठीक से शराब बेच रहा है शराब पी रहा है तो उन्हीं लोगों को पकड़िए। तो आजकल कर रहे हैं लोग, आप पूरे तौर पर प्रतिदिन हमको रिपोर्ट आती है, हर दिन रिपोर्ट आती है कि इतने लोग आज हुए, और बाहर से अभी भी बहुत आता है। तो हम तो जितने हमारे अधिकारी हैं, जितना भी बॉर्डर का एरिया है, सब जरा एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिए भाई कि कैसे कोई दारू लेकर के बाहर से चलाता है, ये तो ठीक नहीं है। फिर भी बहुत लोग पकड़ाया है, 5-5 साल तक का सजा हो गया है बहुत लोगों को, तो ये सब तो किया ही गया है, तो ये सब काम तो हो ही रहा है, तो इसीलिए अलर्ट रहना चाहिए। तो आज के दिन जो है नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण कराइए। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे तो लिमिटेड एरिया का देख करके आप लोग बोल देते हैं कि इतना हो गया,
हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए हैं, जाति आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में ना कराए, और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है। आज जब हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किए थे, कितने बड़े में 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए थे। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए और उसके बाद लोगों को बताइए। आजकल बहुत लोग कहता है हमको, कुछ लोग, कि अब भाई शराबबंदी ठीक से अब लागू नहीं है, छोड़ दीजिए। एक आदमी आकर के हमको कहने लगा, हम कहते तो हम क्या छोड़ेंगे, हम कभी छोड़ेंगे, हमको तो बचपन से ना है। आप लोगों को कहानी सुनाते हैं ना, जब हम पढ़ते थे आपको मालूम है कॉलेज में, हम लोगों को तो बचपन में कभी भी बख्तियारपुर में कोई शराब पीते नहीं दिखा था। और जब हम पढ़ने गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहला साल में तो ठीक जगह नहीं मिला था, दूसरा जगह हमारे पिताजी रखवा दिए थे। तो रतवा में कभी कभी बड़ा हंगामा होता था, तो हम देखे कि दारू पीता था, घर में झंझट होता था, तो उसी समय हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा चीज था। बोलिए, ये तो मेरी बात है कि तो आप समझ लीजिए ना कि हम जो बात बोल रहे हैं 67 की बात, 1967, तो हम उस समय देखिए, उसी समय से हम आप लोगों को सब जगह पूरे बिहार में जाते ही कहानी कहते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज से वहां जाते थे और रास्ता में जो दारू पीता था, एक जगह शराब पीने का जगह था, आप कराता था, आ कैसा अंड बंड बोलते रहता था। तो इसीलिए हम तो शुरू से इसके पक्ष में, लेकिन बाद में बोलिए जब कर्पूरी जी लागू किए और फिर 2 साल का 2.5 साल के बाद सब हटा दिया, तो हम देखे कि फिर जरा ठीक ढंग से लागू हो। तो जब आप लोगों का डिमांड हो गया तो हम लोग तो लागू कर दिए। आप देख लीजिए कि बिहार में तो हम लोग तो लागू न कर दिए जी, अब 7 साल हो न गया, हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए आप लोग अगर पक्ष में रहिएगा तो लागू रहेगा पक्के तरह से। शराब बड़ी खराब चीज है। आलोक कहता था क्या था, जो शराब पीना छोड़ दिया तो उसके परिवार का जो पैसा बचा, तो कितना बढ़िया से बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहा और दूसरा सब चीज घर में मिल रहा, नहीं तो पहले कुछ नहीं मिलता था। अब कितना अच्छा अच्छा चीज बाजार में चल रहा है। तो लोग, कुछ लोग जो बड़े लोग हैं ना, जो दारू पीते हैं, वो खिलाफ है। आ जानते हैं, पहले मेरे पक्ष में जितने लोग रहते थे, हम शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए। अरे भाई, तो खोइए, हमको क्या लेना देना है, हम तो ये बुरी चीज है ना। आ याद करिएगा ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, अब उनकी बात को याद नहीं करिएगा। आ इंटरनेशनल जो किया, जब हम लोग लागू किए थे उसके बाद इंटरनेशनल जो किया पूरे है? हाँ, वो तो वही कह रहे हैं, इसलिए हम सब जगह बताते ही रहते हैं। वो देखा दुनिया भर में क्या हालत था, आ किस तरह से बताया कि दारू पीने वाले कितना आदमी मर जाता 18%, और एक्सीडेंट कितना होता है, शराब पी करके लोग गाड़ी चलाता है, तो पूरे दुनिया का आया था कि कितना जगह 27% एक्सीडेंट। तो ये सब कितना गंदा चीज है। तो हम लोग तो यहां पर जब किए हैं, नियंत्रित किए हैं, तब उस तरह से बहुत चीज आया है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों का तो हम डिटेल हर जगह बोलते ही रहते हैं, इसलिए आपको संक्षेप में हम बोले कि एक एक चीज के बारे में सब लोगों को जो जानकारी है उसको देखते हुए हम तो आपको डिपार्टमेंट से अनुरोध करेंगे। आए मंत्री, उस समय जब हम लागू किए थे तब आपके लागू हुआ था, तब पुलिस के तभी ना शुरू हुआ था जी, और तब आप इधर आ गए रिटायरमेंट के बाद बन गए, तो आपको ही डिपार्टमेंट हम दे दिए। तो इसलिए कि आप शराबबंदी के पक्ष में थे, इसलिए आपके पक्ष में नहीं है। पूरे तौर पर जरा लागू करिए। हमारे आईएएस के अफसर सब हैं, ये लोग भी लगे हुए हैं और अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हम तो सब पुलिस वाले और सब अधिकारियों को कहेंगे कि मैक्सिमम लोग तो ठीक, लेकिन कुछ तो भाई देखिए पुलिस वाले भी गड़बड़ है। कितना हम कहते सब जगह देखिए, तो वो लोग भी अपना जहां उसको ड्यूटी मिलता है देखवे नहीं करता। तभी तो पटना वाले को कहते हैं सबको कि देखो
कहां पर रखे हुए हो? तो ये बैठे हुए हैं सुभानी साहब, हम तो एक कहेंगे कि आप रिव्यू कीजिए, हम तो आपको बराबर न कहते हैं। आज तक पुलिस वाले हेड को नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था, हम तो सबको कहते ही न रहते हैं, आज भी बुलाना चाहिए था, जब कहा नहीं बुलाए। तो ये जो देख लीजिए कि एक एक चीज पर ध्यान रखिए, ज्यादातर पुलिस और सब अधिकारीगण ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ करता है तो उसको देखना चाहिए, समझाना चाहिए, तुम ठीक करो, और ठीक नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे सर्विस से। तो इस तरह से करते रहिएगा, बड़ा ठीक रहेगा कि कोई भी सरकारी सेवा में इधर उधर नहीं करे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होबे करता है, तो क्या करिएगा? तो गड़बड़ होता है तो उसको संभालिएगा ना भाई। आ इतना ज्यादा शराब पीना छोड़ दिया लोग, तो इसीलिए हम इस बार जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि भाई जरा ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए। और जो अभी हमने आपको कह दिया कि एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले दो तीन बार जो आप रिपोर्ट किए हैं तो हम देखते थे, वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक नहीं। आप एक एक जगह पर, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना, और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का तो हर तरह के बारे में जानकारी मिलने गया, उसी तरह से शराब के बारे में भी ठीक ढंग से लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि लोग इसके पक्ष में हैं क्या हैं, तो बड़ा अच्छा ना होगा भाई, तभी ना हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर कर पाइएगा। तो हर तरह से इसको देखते रहिए, तो हम तो आपसे यही आग्रह करने वाले हैं। अभी हाल ही में हम कह दिए अपने अधिकारी महोदय को कि भाई देखिए इसका जांच इस बार जरा ठीक से कराइए, तो हम लोगों के बतवा ही लोग कम ध्यान देते हैं ना, तो हम सोचे कि आज मीटिंग में हम कह देंगे कि एक एक घर में जाकर के पता करिए कि कौन है शराबबंदी के पक्ष, और इसके लिए लगेगा कुछ पैसा, समझ गए ना। जैसे हम लोग किए सर्वे तो 500 करोड़ लगा, आपको अगर एक एक घर में जाकर के लेना है तो सर्वे करने में अगर आपको कुछ और पैसा चाहिए तो सरकार आपको दे देगी, और आप पूरे तौर पर सर्वे कराइए और ठीक ढंग से जानिए कि शराब के पक्ष में कितने हैं, शराब के खिलाफ कितने हैं, जान लीजिएगा। जब कोई खिलाफ है तो उसको और कैसे पक्ष में करिएगा, किस तरह से और काम को करना है, तो उसके लिए और सब काम करिएगा। खाली जो कर दिया गया ऐसा ही खाली पर मत छोड़िए। हम निश्चिंता होते जा रहे हैं आप लोग, शराबबंदी लागू हुआ और शुरू में कितना बढ़िया से काम किया गया, तभी सब काम लागू करिए। और जब लागू हो जाएगा तो एक बार फिर शराबबंदी के पक्ष में लोगों से अपील करिए, और जब आप देख लीजिएगा तो एक दिन उनको भी एक जगह जनवरी में इकट्ठा किसी दिन करवा दीजिए, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे पूरे राज्य में, तब पता चलेगा। तब आप जानते हैं अगला बार इकट्ठा करिएगा सर्वे करने के बाद तो 4 करोड़ नहीं, हम लोग तो जल जीवन हरियाली में भी कराए थे तब 5 करोड़, आप इस बार आप जानिएगा। हाँ, तो इसी बार अगर जो करिएगा इसका बढ़िया से, तो देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में लोग, तो ये सब चीज हो जाना ना चाहिए भाई, कि लोगों को पता चले कि कितने लोग पक्ष में हैं। लेकिन कुछ लोग इधर उधर बोलते रहता है। अहे पत्रकार मित्रों, मैं नमन करता हूं आप सबका, हम देखिए किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके पक्ष में, सबके हित में कोई काम करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि इन सब चीजों का भी ध्यान दीजिए, और आप लोगों को बड़ा कृपा है तो इस सब काम को ठीक से होगा। और बाकी कुछ राज्य में लागू है तो उतना नहीं ना ध्यान देता है जी। अगर कोई बाहर से आता था पीना चाहता था तो हमने कहा कि ना हम नहीं ये लागू करेंगे, देखिए तो आ कितने टूरिस्ट आते हैं बोलिए। अभी आपको मालूम है ना कि राजगीर में इस बार कितना लोग आए, 3 करोड़ के करीब आए मलमास मेला में, और कितना जगह पर आप देख लीजिए, हर जगह कितनी बड़ी संख्या में सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जरा जान लीजिए सब पर रोक है शराब पर, और तब इतनी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। तो सब जगह के लोग, न सिर्फ बिहार, बिहार के बाहर,
और देश के भी बहुत लोग हैं जो इसके पक्ष में, इसलिए इस बात को पूरा ध्यान दीजिए, तो मेरी बात कर न लीजिएगा। क्या विचार है, सर्वे करा दीजिएगा ठीक से। अरे काज श्रवण कुमार पूछ रहे हैं, ठीक से कराइएगा ना, एकदम बढ़िया से करा दीजिए, तभी हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि जनरल करा देते हैं तो एकदम पता चल जाता है कितना हो गया, अब सही मायने में पता चलेगा, और तभी और लोगों के विकास के लिए और जितना काम किया जाएगा हम लोग करेंगे, और लोगों के हित में। और सिर्फ हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं जी, और हर तरह से ना, हम कहते हैं ये कोई शादी विवाह कम उम्र में न करे तब कितना हो रहा बढ़िया, पहले से हर तरह से हम लोगों ने किया। और कहा कि कोई मत नहीं है, पैसा न ले, दहेज न ले, और कितना ज्यादा हुआ। हम तो कह देते हैं कि हमको कोई देता है शराब का तो लिख के देगा कि हम भाई दहेज नहीं ले रहे हैं, तभी हम आपको बधाई देंगे या जाएंगे, तब सब जगह लिख करके दे रहा है, तब भुलाइएगा मत, बहुत जरूरी है। तो वो भी काम के लिए हम लोग कर रहे हैं कि सबके हित में काम कर रहे हैं। कानून बना हुआ है तब भी लोग इधर उधर करता है, तो इन सब चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबके हित में बोलिए ना, लोगों के विकास के लिए। आज जितना गरीबी है उस सबको गरीबी के उत्थान के लिए जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जितना उत्थान कर रहे हैं, अब देख न लीजिए, आप याद करिए ना, 5 के पहले क्या हालत था, 5 के बाद जब हमको मौका आप लोग दिए हैं तब कैसा हालत है, रतवा में कितना देर तक सब घूमते हैं। अब पहले शाम होने के बाद कोई निकलता था जी, आज झंझट पहले होता था ज्यादा, अब होता है कम से कम, कोई झंझट कम से कम, तो सब तो मुक्ति करके सबको हम दे रहे हैं। अब पहले कौन पहनता था, कपड़ा भी पहनने की जगह थी, और लड़कियों को कितना पढ़ाए हैं बताइए, बच्चियां कहां पढ़ पाती थी, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। आज जब हम लोगों को मौका मिला तो जो हमने लागू कर दिया था, कितना दिया महिलाओं को, 50% पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, सब जगह में कर दिया, 16 और 17, तो इस तरह से 6 और 7 सब करा दिए, तो कितना ज्यादा अब सुविधा हुई है, और कितना ज्यादा अब महिलाएं आगे बढ़ी है। पहले कहीं भी जाते थे तो महिला तो नाम मात्र करना दिखती थी, अब कहीं भी जाते हैं खूब संख्या में दिखती है पुरुष, और महिलाओं की संख्या भी अब बढ़ रही है। इस बार जो सर्वे हुआ है तो पहले कम होता था, अब पहले लोगों को तकलीफ होता था कि लड़की हो गया, तो हम तो बराबर ना कहते रहे, अरे लड़की माँ है तभी ना पैदा हुए जी, अब पुरुष रहेगा पैदा तो उसे कोई बच्चा पैदा होगा, तो अधिकार दिया है भगवान ने, अधिकार दिया है महिला को ना, उसी को अधिकार है, तो इसीलिए उनकी संख्या पूरी रहनी चाहिए, तब कितना हो रहा। अब बोलिए हम लोग कोई क्षेत्र छोड़ रहे हैं, समाज का कोई तबका, मान लीजिए कोई किसी कारण से किसी के खिलाफ रहे, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम तो सबके हित में काम कर रहे हैं। तब ये आग्रह करेंगे कि सब लोग मिलकर के और प्रेम के साथ आगे रहिए, और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, हर साल तो करते हैं आप, बीच बीच में तो हमको कह न दिए थे जी, तो आजकल आप लोग कम न कर रहे हैं मीटिंग, क्या हाल है, पहले जो तय किए थे 7 दिन में मीटिंग करने का, आजकल कर रहे हैं, आजकल मीटिंग में नहीं कर रहे हैं आप लोग, कि कितना ज्यादा हो रहा है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आपस का मीटिंग वीटिंग करिए, और कम से कम एक बार तो 1 महीना में 2 महीना में हमको बताते रहते थे, तब जो करिए, लेकिन आज बुला लिए हैं, तुमको बड़ी खुशी है आ गए हैं आज, तो फिर जो यहाँ पर बैठक में आए हैं तो आप सब लोगों का अभिनंदन है, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज के इस अवसर पर, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और मिल करके बिहार को विकास करेंगे, और एक एक परिवार को आगे बढ़ाएंगे, और सब आगे बढ़ेगा, राज्य और आगे बढ़ेगा, इन्हीं शब्दों के साथ साथ बोल रहे हैं।